let us now study X-rays. X-rays को हम लोग Roentgen rays नाम से भी जानते हैं, because they were discovered by a scientist Roentgen. देखो X-ray में तो मुझे तुम्हें समझाने का कुछ जरूरत नहीं है. सब लोग ने chest का X-ray निकाला है, दांत का X-ray निकाला है, ये सब को तो पता ही है. आजकल malls में अगर entry मारने जाते हैं, airport में entry मारने जाते हैं, तो फिर कुछ baggage जो है हम लोग का purse में, bag में कुछ रखा है कि नहीं, pistol, बंदूक या फिर चाकू वाकू, तो वो देखने के लिए भी एक्सरे मशीन का ही यूज होता है. तो एक्सरे नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट लेट अस सी हाउ एक्सरे आर प्रोड्यूस, फॉर्मूलास क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सरेज क्या है, दैट वी विल स्टडी नाउ. एज आई टोल्ड यू, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट Roentgen, जर्मन साइंटिस्ट थे वो. अब देखो उन्होंने कैसे डिस्कवर किया एक्सरेज, तो इट वॉज एक्सीडेंट डिस्कवरी, एक्सीडेंटली देखा हो. तो क्या हो गया, उनके इधर लैब जो था, ही वॉज अ साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट कहां रहते हैं, लैब में. तो लैब में उन्होंने एक इक्विपमेंट था, एक ट्यूब था, उस ट्यूब में से रेज निकल रहे थे. वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये सब पता है तुम्हें, कैथोड रे ट्यूब में हम लोग के पास एक ट्यूब होता है बड़ा सा, उस ट्यूब को हम लोग बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं. वी हैव अ ट्यूब एंड इस ट्यूब को हम लोग बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं. तो ट्यूब having a big potential difference connected to a big battery that will emit some radiation. कभी कभी वो radiation light form में भी होता है और कभी कभी वो radiation दिखता नहीं है, ऐसा भी होता है. और ऐसा ही हो गया उस दिन जब Roentgen experiment कर रहे थे, तो उस दिन lab में कुछ ऐसे rays निकले जिसका इससे पहले किसी ने discover नहीं किया था. And those rays were named as X-rays by scientist Roentgen. तो देखो कैसे डिस्कवरी हुआ उसका हम लोग स्टोरी समझने का कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के पास या Roentgen के पास एक फोटोग्राफिक प्लेट थी. अब मेरे पास फोटोग्राफिक प्लेट नहीं है, मान लो ये फोटोग्राफिक प्लेट है, दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट. ये फोटोग्राफिक प्लेट को उन्होंने व्रैप करके एक कवर के अंदर रख दिया था. क्या होता है फोटोग्राफिक प्लेट को अगर हम लोग व्रैप करके ना रखे, तो इट गेट्स डेवलप्ड. देखो पहले बहुत काफी सालों पहले तुमने सुना रहेगा नेगेटिव फोटोग्राफ्स, नेगेटिव रहता है वो, नेगेटिव को हम लोग फिर बाद में फोटो बना सकते हैं. तो उसमें क्या होता था, ऐसा काला कलर का पूरा फोटोग्राफिक नेगेटिव रहता है, वो नेगेटिव को हम लोग डेवलप करेंगे तो हमारा अपना फोटो बनेगा. ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी बन सकता है, कलर फोटो भी बन सकता है, बट वी हैव द नेगेटिव. अब ये नेगेटिव में कुछ कुछ पार्ट जहां लाइट आएगा इस नेगेटिव के ऊपर, ये देखो ये हम लोग का मान लो ये फोटोग्राफिक प्लेट है, नेगेटिव है, तो इसके ऊपर अगर लाइट आएगा तो दिस गेट्स डेवलप्ड, पूरा ये व्हाइट हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा अगर इसके ऊपर क्या गिरा, लाइट गिरा. तो लाइट गिरने से ये क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है. तो काले से ये एक तरह से मान सकते हैं गोरा हो जाता है. लाइट गिरेगा तो ये काले का क्या हो जाएगा, गोरा. जब ये पहले ब्लैक कलर था, इसके ऊपर मान लो अगर गलती से लाइट गिर गया तो ये क्या हो जाएगा, व्हाइटिश कलर हो जाएगा. ऐसा होता है फोटोग्राफिक प्लेट. ऐसा ना हो इसीलिए हम लोग को इससे लाइट से प्रोटेक्ट करना पड़ता है. किससे प्रोटेक्ट करना है, लाइट से. और इसीलिए ये डेवलप ना हो, ये व्हाइट ना हो, ये नेगेटिव ही रहे, मतलब इसको जिस दिन फोटो निकालना है उस दिन वो काम आए, इसके लिए उसने उसको अंदर डाल के रखा था. काला कलर का ही जैसा है वैसा, विदाउट डेवलपिंग, विदाउट एक्सपोजर टू लाइट, इसको इसने अंदर कवर में रख दिया था. अब जब तक इसको बाहर ना निकाले, जब तक इस ब्लैक नेगेटिव को बाहर ना निकाले, तब तक ये डेवलप नहीं होगा. इस पर जब तक लाइट नहीं गिरेगा तब तक ये डेवलप नहीं होगा. तो उस दिन उसने ये ऐसा काला कलर का ऐसा रख दिया नेगेटिव व्रैप करके. नाउ अगर मान लो लाइट गिरा भी रूम में, अगर मान लो अब इसके ऊपर लाइट गिरा, तो क्या ये डेवलप होगा, नहीं, क्योंकि ये कवर के अंदर है, ये कवर के अंदर है इसीलिए डेवलप नहीं होगा. कवर के बाहर रहता और लाइट गिरता तो ये डेवलप होता, पर ये कवर के अंदर रखा है इसीलिए बाहर के रूम का अगर लाइट भी गिरे इस पे तो भी ये डेवलप नहीं होगा. तो दिस विल नॉट गेट डेवलप. फिर उसने क्या किया, ये जिस पे रखा था कवर उसके ऊपर मान लो इसने ऐसा चाबी रख दिया. क्या रख दिया, चाबी. तो घर का जो चाबी है, लैब का जो चाबी है, वो उसने उसके ऊपर रख दिया. अब देखो क्या ये फिल्म जो अंदर फिल्म है, क्या ये फोटोग्राफिक प्लेट या नेगेटिव फिल्म डेवलप होगा या नहीं होगा, नहीं होगा.
क्योंकि इसके ऊपर लाइट नहीं गिरा है। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि जब वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था वहां पे, तो उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, लैब से बाहर निकलते समय जब उसने इस फोटोग्राफिक प्लेट को बाहर निकाला, तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पे चावी शेप का एक फिल्म डेवलप हो गया। चावी शेप का, जैसा ऊपर चावी रखा था वैसा का वैसा फिल्म यहाँ पे डेवलप हो गया। उससे अगर हम लोग होते तो नहीं सोचते उसना, लेकिन रंजन वॉज अ साइंटिस्ट, इसलिए उसने सोचा कि बिना बाहर निकाले, बिना ये नेगेटिव को बाहर निकाले, ये डेवलप कैसे हो गया। मतलब इसके ऊपर कोई तो रेडिएशन ऐसे गिरेगा, देखो लाइट गिरता, अगर लाइट गिरता तो ये डेवलप नहीं होता, लाइट गिरता तो ये डेवलप नहीं होता, पर ऐसे रेस गिरे होंगे इसके ऊपर, ऐसा रेस गिरा होगा जो कि इस चाबी से पार नहीं हो पाया, चाबी से पार नहीं हो पाया, लेकिन ये कवर से पार हो पाया। देखो चाबी से पार नहीं हुआ, ये हम लोग को कैसे पता चल रहा है, क्योंकि चाबी का जो रीजन है वो यहाँ पे काला कलर था, चाबी का रीजन कैसा था, काला कलर, मतलब चाबी को वो रेस पार नहीं कर पाए, लेकिन आजू बाजू में जो कवर का रीजन है, कार्डबोर्ड रीजन है, वुड रीजन है, लकड़े को भी पार कर लिया, कवर पेपर को भी पार कर लिया, पेपर को भी पार कर लिया, लकड़े को भी पार कर लिया, वुड को पार कर लिया, लेकिन मेटल को पार नहीं कर पाया। तो ऐसा उसने सोचा, देर आर सम रेडिएशन विच वेर एमिटेड इन दैट एक्सपेरिमेंट विच पास थ्रू वुड, विच पास थ्रू कवर मीन्स पेपर, बट डू नॉट पास थ्रू मेटल। तो ये हम लोग का जो रेज है, दे आर वेरी वेरी हाई एनर्जी। देखो सादा लाइट जो है, सादा लाइट लकड़े से पार होगा क्या? सादा लाइट, ये देखो अगर मैं लाइट को ऐसे इधर रख दूं, तो क्या तुम्हें लग रहा है ऐसा लाइट है पीछे, ऐसा लग रहा है क्या पीछे लाइट है? नहीं, देखो क्योंकि लाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस पेपर, लाइट पेपर से पार नहीं हो सकता, लाइट कार्डबोर्ड से पार नहीं हो सकता, लकड़ा तो दूर का बात है, चावी तो दूर का बात है, मेटल दूर का बात है, लाइट कैन नॉट पास थ्रू कार्डबोर्ड। बट एक्सरेज, दे आर वेरी वेरी हाई एनर्जी रेस, एक्सरेज आर वेरी वेरी हाई एनर्जी रेस, दे कैन पास थ्रू वुड पेपर थिन शीट्स, बट दे कैन नॉट पास थ्रू मेटल्स। और यही प्रॉपर्टी एक्सरेज का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग का एक्सरे चेस्ट का एक्सरे निकालने में, हाथ का एक्सरे में निकालने में, जहां भी हमें फ्रैक्चर आ रहा हो, जहां लग गया है वहां का एक्सरे ऐसे ही निकलता है। बट रिमेंबर, एक्सरेस अगर तुम ज्यादा यूज करोगे, ज्यादा बातों बातों में डॉक्टर के पास मत जाओ कि छोटा मोटा चोट लग गया और तुम एक्सरे निकालने चले गए, बिकॉज एक्सरेस आर हार्मफुल रेस, दे आर वेरी वेरी पावरफुल रेस, उससे कैंसर भी हो सकता है, एक्सरेस कैन कॉज कैंसर एज वेल, लॉन्ग एक्सपोजर टू एक्सरेस लीड्स टू कैंसर। बट नॉर्मली जो हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं, दैट इज वेरी शॉर्ट एक्सपोजर, थोड़े टाइम के लिए होता है। एंड नॉट ओनली दैट, दोज एक्सरेज आर सॉफ्ट एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज का मतलब क्या है? दे आर लो एनर्जी एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज कैसा होगा? लार्ज वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कम है इसीलिए एनर्जी कम है। सॉफ्ट एक्सरेज का फ्रीक्वेंसी कम है इसीलिए एनर्जी कम है। दोज एक्सरेज विच वी यूज इन मेडिसिन आर सॉफ्ट एक्सरेज, एंड दोज एक्सरेज विच वी यूज फॉर डिटेक्शन, मान लो कुछ ऐसे बड़ा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कहीं पे लीकेज है कि नहीं, वैसा डिटेक्शन में यूज करना है, तो दोज विल बी हार्ड एक्सरेज एज वेल, जो बहुत अंदर तक पहुंच जाए, थिन शीट्स ऑफ ब्रिक्स को भी पार कर जाए, तो हार्ड एक्सरेज रहेंगे, दे विल बी हाई एनर्जी एक्सरेज, दे विल बी हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरेज, इवन मोर पावरफुल एक्सरेज। तो डिपेंड्स ऑन यूज टू यूज कैसा एक्सरे हम लोग यूज करेंगे। बट एक्सरेज देखो ह्यूमन फ्लैश से पास होता है, तो इसीलिए हमारे बॉडी से एक्सरे पास हो जाएगा पर हड्डी से पार नहीं होगा, हम लोग का जो हड्डी है अंदर, हड्डी से एक्सरेज पार नहीं होता है, जैसे एक्सरेज मेटल से पार नहीं होता है, वैसे ही एक्सरेज, जैसे ही यहाँ पे एक्सरे मशीन चालू किया तो मेरे फ्लैश से पार हो जाएगा वो, पर वो हड्डी जो अंदर है उससे पार नहीं होगा। तो अंदर का जो हड्डी है वो हम लोग को पूरा एक्सरे के एक्सरे फोटो में हम लोग को दिख जाएगा। तो दैट इज द यूज ऑफ एक्सरेज इन अवर डे टू डे लाइफ, एंड हाउ वी हैव प्रोड्यूस्ड दिस एक्सरेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सरेज डू वी हैव, दैट वी विल सी नाउ। तो देखो एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय कूलिश ट्यूब। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होगा? कूलिश ट्यूब। अब ये कूलिश ट्यूब कैसा इक्विपमेंट है, तो दैट इज व्हाट वी विल सी नाउ। कूलिश ट्यूब कैसा एक्सपेरिमेंट है, तो एज द नेम सजेस्ट, ये ग्लास ट्यूब होगा, ये पूरा जो इक्विपमेंट है, ये जो फिलामेंट जो लिखा है यहाँ पे, मेटल टारगेट जो लिखा है, ये पूरा एक ग्लास ट्यूब में होगा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट समझ जाओ, अभी थोड़ी देर पहले एक्सपेरिमेंट में बताया था।
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जैसे ग्लास ट्यूब होता है, वैसे ही पुलिस ट्यूब में भी इसके आजू बाजू क्या होगा, ग्लास का ट्यूब होगा। अब दिस ग्लास ट्यूब कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट मतलब कैसा, जैसे देखो पहले के बल्ब में, अब आजकल का बल्ब तो यहाँ पे है नहीं मेरे पास, आजकल बल्ब में फिलामेंट दिखता नहीं है, बट पहले जो बल्ब था उसमें ऐसा फिलामेंट दिखता था, टंगस्टन का बना होता था। पहले का जो येलो बल्ब होते थे, येलो मतलब जो जीरो बल्ब नहीं बोल रहे, पहले थोड़े साल पहले जो येलो कलर के बाथरूम में बल्ब लगाते, हाई इंटेंसिटी बल्ब होते थे, उसमें हम लोग को एक फिलामेंट जैसे दिखता था। क्या दिखता था? फिलामेंट। तो दैट इज द फिलामेंट। वो फिलामेंट गर्म होता है और गर्म होने के बाद उसमें से फिर एनर्जी निकलता है, लाइट एनर्जी निकलता है, दैट इज हाउ द बल्ब वर्क्स। वैसे ही यहां पे भी हमारे पास एक फिलामेंट है और ये फिलामेंट को हम लोग बहुत गर्म करेंगे। फिलामेंट को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो फिलामेंट जब गर्म होगा तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। व्हेन द फिलामेंट गेट्स हीटेड, व्हेन दिस फिलामेंट, मेटल फिलामेंट ही होता है ये, तो मेटल फिलामेंट व्हेन इट गेट्स हीटेड, तो गर्म होने पे उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। जैसे हम लोग ने थोड़े दिन पहले वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, अभी तो वो दिख नहीं रहा यहाँ पे, बट एक एग्जाम्पल मान लो, एक मेटल प्लेट हम लोग लेंगे, मान लो ये क्या है, मेटल प्लेट। मेटल प्लेट को हम लोग गर्म करेंगे तो बहुत गर्म करने पे बहुत एनर्जी मिलेगा और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को भी मिलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। अगर इस पे लाइट गिराया, इस पे मैंने क्या गिराया, लाइट, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, तो दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे आर कमिंग ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इस मेटल प्लेट पे मैंने लाइट गिराया और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, तो दोज इलेक्ट्रॉन्स कम ड्यू टू लाइट, मीन्स फोटॉन्स। That means this effect is photoelectric effect. And the electrons coming due to photoelectric effect are photoelectrons. But ये electron light की वजह से नहीं आए, ये electrons गर्म करने की वजह से आए। तो metal filament को हम लोग ने गर्म किया और electrons energy लेके बाहर निकल आए, तो those electrons are called as thermionic electrons. Thermionic electron नाम क्यों दिया हम लोग ने? Thermal, thermionic, thermionic में thermal word कहां से आया? Thermal मतलब heat से, ये गर्म करने पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। और आयोनिक नाम क्यों दिया? क्योंकि जब वो मेटल फिलामेंट का जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इट विल बिकम अ आयन। तो थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नाम है, जो इलेक्ट्रॉन्स गर्म करने से निकले, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैंने रेड कलर में यहां पर बनाया, तो थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स आई एम शोइंग बाय विच कलर, रेड कलर। तो ये हम लोग का थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स यहां से आगे जाएंगे, किससे टकराने वाले हैं? ये टकराने वाले हैं मेटल टारगेट से। यहां पे हम लोग ने मेटल टारगेट रखा है, ऐसा मेटल टारगेट। अब ये मेटल टारगेट से टकरा पाए, देखो रास्ते में ही इलेक्ट्रॉन गिर सकते हैं, अगर एनर्जी कम रहेगा तो, एनर्जी कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रास्ते में ही गिर जाएंगे तो हमारे किसी काम नहीं आएंगे, उससे एक्सरेस नहीं बनेगा। अगर ये जोर से इलेक्ट्रॉन जाके मेटल टारगेट से टकराएगा तभी ही एक्सरेस बनेगा। अंटिल अनलेस दिस इलेक्ट्रॉन गो विथ वेरी हाई स्पीड एंड हिट द मेटल, they will not lead to production of X-rays. तो इसीलिए हम लोग को इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां पहुंचाना है, और पहुंचाना ही नहीं, उनको स्पीड में पहुंचाना है और स्पीड में कोलाइड भी कराना है, किससे? मेटल से। सो फॉर दैट वी आर गिविंग अ बैटरी, यहां पे बहुत हाई पोटेंशियल का बैटरी लग दिया, 25,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, 20-25,000 वोल्ट, 30,000 वोल्ट का बैटरी लगा देंगे। इतना हाई वोल्टेज का बैटरी लगाने का फायदा क्या होगा? तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग ने मेटल से कनेक्ट किया है, तो मेटल का पास कौन सा चार्ज आएगा? मेटल के पास भी, मेटल टारगेट के पास भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव से कनेक्टेड है मेटल, इसलिए मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है मेटल, पॉजिटिव है इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव है मेटल इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विल हिट द मेटल विद अ वेरी हाई स्पीड and that will lead to production of X-rays. तो यहां पे जैसे ही ये मेटल, ये इलेक्ट्रॉन्स, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स मेटल टारगेट को हिट करेंगे, उनके मेटल के एटम्स को हिट करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। किसके इलेक्ट्रॉन्स को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे? मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकना है। कौन फेंकेगा बाहर? ये थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन। थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आएगा, जोर से मेटल के एटम के इलेक्ट्रॉन को टकराएगा और उस इलेक्ट्रॉन को, मेटल के इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के बाहर फेंकेगा। जब वो उखाड़ के बाहर फेंकेगा तो उस केस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्सरेस विच इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। तो हम लोग के पास दो तरह के एक्सरेस है,
कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस, कंटिन्यूअस एक्सरेस, जो कि मैंने यहां पे लिखा है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सरेस, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस एंड कंटिन्यूअस एक्सरेस. देखो क्या हुआ प्रोसेस, पहले बताया यहां पे थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आया, मेटल टारगेट से हिट किया और उसके मेटल के इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के फेंका. इंग्लिश में इसको बोलेंगे नॉक ऑफ, विल द थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन विल नॉक ऑफ द मेटल इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस. लेट अस सी द फॉर्मेशन. देखो कैसे होगा ये, तो ये यहां पे मैंने दिखाने का कोशिश किया है. ये थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आया, ये गर्म फिलामेंट से आ रहे. देखो गर्म फिलामेंट से थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन है. थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन ये कौन है, ये मेटल का एटम है. ये कौन है, दिस इज मेटल एटम. ये मेटल जो हमने यहां रखा ना मेटल टारगेट, मेटल का एटम है. एक एटम को मैंने जूम इन किया है एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है वो देखने के लिए, समझाने के लिए. तो ये मेटल एटम है, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आया, लाल कलर का थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आ रहा है. लाल कलर का नहीं होता है वो, उसे दिखाने के लिए रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए. रेड कलर इलेक्ट्रॉन डिनोट्स द थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन एंड इट्स द ब्लैक कलर मेटल इलेक्ट्रॉन. ये देखो काला कलर में ये कौन है, काले कलर में मैंने मेटल का इलेक्ट्रॉन बताया और लाल कलर में मैंने कौन बताया, लाल कलर में मैंने बताया थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन. लाल कलर में थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आएगा, जोर से हिट करेगा मेटल के इलेक्ट्रॉन को जो कि काला कलर का है और इस इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के बाहर फेंक देगा. ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ऑफ द मेटल. अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला, मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्या थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन इधर आके बैठ जाएगा, नहीं, उसने तो उखाड़ के फेंका उसको, उसके पास तो बहुत हाई वेलोसिटी है, बहुत एनर्जी है, तो थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, ये मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन है वो भी निकल जाएगा. अब यहां पे एक होल आ जाएगा. क्या आ जाएगा, होल. होल मतलब क्या, वेकेंसी. यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन का कमी है. मान लो ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पहले 8 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब 7 इलेक्ट्रॉन बच गए. 7 इलेक्ट्रॉन बच गए तो एक वेकेंसी आ गया यहां पे. तो वेकेंसी आ गया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इंटरेस्टेड रहेगा यहां आने के लिए, विल द हायर शेल इलेक्ट्रॉन बी इंटरेस्टेड टू जंप इनटू द लोअर शेल. क्या ये हायर शेल का इलेक्ट्रॉन जंप मारने के लिए रेडी होगा लोअर शेल में, यस, बिकॉज हायर शेल मोर एनर्जी लेस द स्टेबिलिटी, लोअर शेल लेस द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी. यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन भाग के ऊपर से नीचे आया. कौन सा इलेक्ट्रॉन, द हायर शेल इलेक्ट्रॉन. हायर शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल एटम जंप्स इनटू द लोअर शेल एंड द डिफरेंस इन एनर्जी. देखो डिफरेंस होता है ना एनर्जी में, हायर शेल में ज्यादा एनर्जी है, लोअर शेल में कम एनर्जी है, तो जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो डिफरेंस इन एनर्जी ये दे देगा इन द फॉर्म ऑफ वॉट, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस. द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन हायर शेल इलेक्ट्रॉन एंड लोअर शेल इलेक्ट्रॉन इज रेडिएटेड एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस. इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस. सो लेट मी रिवाइज हाउ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस आर फॉर्म्ड. कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे बनते हैं, द थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन हिट्स द मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एंड इट नॉक्स ऑफ द मेटल एटम इलेक्ट्रॉन. देयर इज नाउ अ वेकेंसी इन द प्लेस ऑफ मेटल एटम इलेक्ट्रॉन. दिस वेकेंसी इज फिल्ड बाय हायर शेल इलेक्ट्रॉन. तो हायर शेल इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल एंड इन द प्रोसेस इट विल गिव ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन हायर शेल एंड लोअर शेल. इसको और एक बार हम लोग यहां से देखते हैं. ये मेटल का फिलामेंट है, फिलामेंट को हम लोग ने हीट किया है, करंट दिया है उसको, इसलिए वो हीट होगा. अब उसमें से करंट पास हो रहा है, हीट हो रहा है, हीट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हीट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन हम लोग ने थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग ने लाल कलर से दिखाया. बैटरी हमने लगाया 20-25,000 वोल्ट का, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट किया, तो मेटल टारगेट के पास पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द मेटल टारगेट. व्हाई, बिकॉज़ द मेटल इज हाईली पॉजिटिव, तो हाईली पॉजिटिव की तरफ भाग के आएंगे वो, तो मेटल एटम की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और मेटल एटम के इनर शेल इलेक्ट्रॉन को कोलाइड कर रहे हैं. ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन था इधर, याद है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन को वो कोलाइड करेगा और इनर शेल इलेक्ट्रॉन को ये थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आके कोलाइड करेगा और नॉक ऑफ कर देगा, निकाल देगा, उखाड़ के बाहर फेंक देगा. तो दोनों इलेक्ट्रॉन उखाड़ के बाहर निकल जाएंगे. कौन से
थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने लाल कलर से दिखाया था, और काला कलर वाला मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लोअर शेल का, दोनों निकल गए तो अब क्या होगा, लोअर शेल में एक वेकेंसी क्रिएट हो जाएगा और वो वेकेंसी फुल कर या फिल करने हायर शेल इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा हायर से लोअर शेल। जब वो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर शेल में जंप मार रहा है तो उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी था वो दे देगा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो ऐसे बनते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज फ्रॉम दिस कूलिश ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये एक तरह का एक्सरे हमने देखा, कौन सा एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे द फर्स्ट टाइप। दूसरा टाइप का एक्सरे कौन सा है, कंटिन्यूअस एक्सरेज। वो क्यों बनेंगे, दैट इज व्हाट वी विल नाउ डिस्कस। तो कंटिन्यूअस एक्सरे के लिए फिर से देखो, ये थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन एक नहीं है, बहुत सारे थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन है। तो लेट अस कंसीडर वन मोर थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने लाल कलर से दिखाया। दिस थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन, इसको रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉन मिला नहीं, ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन था इसको मिल गया रास्ते में इलेक्ट्रॉन, उसने उसको उखाड़ के फेंक दिया। इस इलेक्ट्रॉन को रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉन मिला नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा जाते जाते इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आया। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है। तो ये थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड है, तो बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि पूरा न्यूक्लियस में गिर जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत एनर्जी है, बहुत स्पीड है, तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ पूरा अट्रैक्ट नहीं कर लेगा, पूरा उसको चिपका के नहीं रखेगा वो। तो क्या होगा, ये थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन पाथ ऐसे जाना चाहिए था, उसके पहले थोड़ा सा डिविएट हो जाएगा, ऐसे जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, उसके पहले थोड़ा सा डिविएट हो जाएगा। यहां न्यूक्लियस है, अगर मान लो न्यूक्लियस ना होता तो इलेक्ट्रॉन सीधा जाता, पर न्यूक्लियस के असर के कारण थोड़ा सा डिविएट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऐसे डिविएट हो गया। अब हम लोग के पास एक लॉ है फिजिक्स में, दैट इज नोन एज मैक्सवेल्स लॉ। मैक्सवेल्स लॉ स्टेट्स दैट एनी एक्सीलरेटेड चार्ज शुड एमिट रेडिएशन। देखो ये मैंने डिस्कशन ऑलरेडी भी किया है, मैग्नेटिज्म चैप्टर में मैंने डिस्कशन किया था फिजिक्स में, अगर नहीं पता रहेगा तो वो पीछे देखो वहां पे मैग्नेटिज्म। बट लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। देखो एक एक्सीलरेटेड चार्ज, एक चार्ज है मतलब एक्सीलरेटेड चार्ज, मूविंग चार्ज है, तो एक्सीलरेटेड चार्ज इज काइंड ऑफ करंट इटसेल्फ, एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा है, मूविंग चार्ज मतलब करंट, तो करंट डज इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यस। एंड चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं, यस। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और एक्सीलरेटेड चार्ज मतलब करंट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना, मतलब एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो जब ये एक्सीलरेटेड चार्ज ऐसे जा रहा है, ये चार्ज एक्सीलरेट हो रहा है क्या, यस, क्योंकि देखो पहले इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सीधा था, अब इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर है। व्हेन वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज़ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स पार्ट वन पहले चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया था, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मान लो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई जा रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी वो एक्सीलरेटेड चार्ज है, और यहां तो दोनों चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज हुआ, मतलब एक्सीलरेशन हुआ, बिकॉज देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दैट मींस देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस देयर इज एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेटेड चार्ज विल एमिट रेडिएशन। तो ये जो एक्सीलरेटेड चार्ज है ये भी रेडिएशन एमिट करेगा, ये भी रेडिएशन एमिट करेगा, उस रेडिएशन का नाम क्या होगा, कंटिन्यूअस एक्सरेज। उस रेडिएशन का नाम क्या होगा, कंटिन्यूअस एक्सरेज। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरेज, कंटिन्यूअस एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कंटिन्यूअस एक्सरेज कैसे बनेगा, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस इट बेंड्स एंड दैट लीड्स टू एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड एक्सीलरेटेड चार्ज शुड एमिट रेडिएशन एज पर मैक्सवेल्स लॉ, एंड दैट रेडिएशन वी कॉल एज कंटिन्यूअस एक्सरेज। अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें हम लोग, इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज वर्सेस द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। देखो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे कम रहना चाहिए या ज्यादा रहना चाहिए, वेवलेंथ बहुत कम रहना चाहिए। क्यों कम रहना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा मतलब एनर्जी ज्यादा रहेगा। देखो एक्सरे तो मैंने पहले ही बताया, एक्सरेज आर वेरी पावरफुल रेस, दे आर वेरी हाई एनर्जी मीन्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स वेरी स्मॉल वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही तो मैंने बताया था तुम्हें, वेवलेंथ फॉर एक्सरेज इज 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज वेरी वेरी स्मॉल। 1 एंगस्ट्रॉम कैसा है, बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ है। देखो अगर तुम मानो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ होता है ऑलमोस्ट 3000 एंगस्ट्रॉम, रेड कलर का वेवलेंथ होता है ऑलमोस्ट
8000 एमस्ट्रॉन्ग, वॉयलेट का 3000 के आसपास, रेड का 8000 के आसपास, लेकिन एक्सरेस का तो 1 एमस्ट्रॉन्ग है, मतलब 5000 गुना कम है, 3000 गुना कम है, हजारों गुना कम है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स लेस वेवलेंथ, थाउजेंड्स ऑफ टाइम लेस वेवलेंथ, रेड कलर का जो वेवलेंथ है उससे थाउजेंड्स ऑफ टाइम लेस वेवलेंथ, वेवलेंथ कम है मतलब ये मत सोचो कि वो हार्मफुल नहीं है, वेवलेंथ कम है मतलब फ्रीक्वेंसी थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बढ़ा है, फ्रीक्वेंसी थाउजेंड्स ऑफ टाइम बढ़ा है मतलब उसका एनर्जी भी हजारों गुना बढ़ा है। एक्सरे का एनर्जी सादा टॉर्च मैंने तुम्हारे ऊपर आंखों के ऊपर मारा, टॉर्च मारा, उससे हजारों गुना एनर्जी एक्सरे का रहेगा और वो तुम्हारा आंख भी खराब कर देगा, जहां पे गिरेगा वहां पे खराब होने का चांस रहता है। लॉन्ग एक्सपोजर टू एक्सरे इज हार्मफुल बिकॉज दे आर थाउजेंड्स ऑफ टाइम मोर पावरफुल देन अवर नॉर्मल लाइट, जो सादा कलर का लाइट हम लोग लेते हैं उससे थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज्यादा एनर्जेटिक है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज्यादा फ्रीक्वेंसी है एंड वेवलेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। तो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग नाउ। यहां पे हम लोग ने देखा ये एक्सरेस कैसे बनते हैं, तो वी हैव दिस पीक्स, यहां पे दिख रहा है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेस वर्सेस वेवलेंथ। तो ये अगर ग्राफ एक्सपेरिमेंट से आएगा, देखो बाकी ऐसे आ नहीं सकता, ये कैसे आया तो देखो ये एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। तो जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेस, व्हाट यू सी इज यू गेट सम पीक्स एंड दोस पीक्स रिफर टू कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। देखो दोनों पीक को मैंने कहां मार्क किया, ये जो पीक है उसको मैंने कहां मार्क किया है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। द पीक्स ऐसा बीच में ऐसा ऊपर नीचे ऐसा पीक जैसा रीजन आएगा ना, शार्प पॉइंट्स, दोज आर करस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। और बाकी ये जो सब कंटिन्यूस वाला पार्ट है, ये मान लो लाल कलर से मैंने यहां पर दिख रहा है, ये सब जो कंटिन्यूस वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस एक्सरेस। और मान लो ये जो पीक वाला पार्ट है उसको मैंने ब्लू कलर से बताया, तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ये ब्लू वाला जो है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और जो लाल वाला है वो कंटिन्यूस एक्सरे। लाइक दैट वी हैव टू डेफिनेशंस हियर। अब मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा, मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा, तो ये हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, मान लो बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी, तो हम लोग के पास ईक्सीबलैमड़ा फॉर्मूला है, ये तो सबका ही पता है, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी इज इक्वल टू एक्सी बाय लैमड़ा, तो लैमड़ा क्या आएगा, एक्सी बाय ई। अब हम लोग के पास जो एनर्जी है वो फोटोन, देखो फोटोन इज पार्टिकल ऑफ लाइट, एक्सरे भी फोटोन बोल सकते हैं हम लोग, दे आर नॉट पार्टिकल्स ऑफ लाइट, एक्सरे हम लोग को दिखेंगे नहीं, कलर वलर नहीं आएगा, लेकिन दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स, ऐसा बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका पार्टिकल हम लोग मान सकते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला हम लोग यहां पे लगा सकते हैं जो फोटोन के लिए हमने निकाला, इज एक्सी बाय लैम्डा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड नॉट ओनली फॉर लाइट फोटोन, इट इज वैलिड फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फोटोन माना जाए तो उसके लिए भी फॉर्मूला वैलिड है। एक्सरे इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन, एक्सरे इज अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन, दैट इज व्हाट वी कैन से। तो E इज एक्सी बाय लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इज एक्सी बाय E। अब E एनर्जी है, लेकिन वर्क और एनर्जी तो सेम होता है, तो वर्क का फॉर्मूला वी क्यू है, ये तो सबको याद है, ये तो नाइन्थ स्टैंडर्ड का फॉर्मूला आ गया, नाइन्थ स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो देयरफॉर वर्क डन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी इनटू चार्ज गिव्स द वर्क डन। अब देखो वर्क डन और एनर्जी सेम है, इसीलिए जहां पे डब्ल्यू है हमारे पास वहां पे क्या आ जाएगा, एनर्जी ई। अब V जो है उसको मैंने एज इट इज लिखा। अब चार्ज, हु इज द चार्ज इन्वॉल्व्ड हियर, द चार्ज इन्वॉल्व्ड हियर इज द थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन चार्ज व्हिच इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज व्हिच इज E। तो E का वैल्यू क्या आ गया, EV। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी गेट एनर्जी इज इक्वल टू EV। तो एनर्जी को मैं क्या रखेगा, अभी EV रख देगा, तो लैमडा का वैल्यू क्या आ गया, HC बाय EV। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, लैमडा इज इक्वल टू HC बाय EV। तो यही मैंने यहां पे लिखा, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एक्सी बाय ईवी। अब ये मिनिमम वेवलेंथ क्यों हो गया, क्योंकि ये तो वो केस है जिसमें मैक्सिमम एनर्जी होगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी होगा क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी से गया, तो एनर्जी मैक्सिमम मतलब डिनोमिनेटर मैक्सिमम, तो वेवलेंथ कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम, ये एनर्जी मैक्सिमम है तो फिर वेवलेंथ मिनिमम, तो इसीलिए लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एक्स सी बाय ईवी, ऐसा फॉर्मूला। अब देखो उसके बाद ये लैम्डा, लैम्डा तो आ गया हम लोग का, के अल्फा और के बीटा क्यों नाम दिया है, दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस नाउ। के अल्फा नाम क्यों है, के बीटा नाम क्यों है, दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस नाउ। यहां पे देखो
हम लोग ने देखा था क्या, इलेक्ट्रॉन किस शेल से निकला है। मान लो ऐसा हो गया कि थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आया, कौन आया, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन, ये वाला यहां से आया, मान लो थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आया और ये के शेल के इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के फेंका। थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आया, के शेल के इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के फेंका, तो एक शेल का इलेक्ट्रॉन निकल गया, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, उसके पास तो हाई एनर्जी है, और टक्कर लगते ही ये के शेल का इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। अब ये के शेल में एक वेकेंसी हो गया, अब इस वेकेंसी को कौन फिल करेगा, ये हायर शेल इलेक्ट्रॉन, हायर मतलब कौन सा, एल शेल वाला, एल शेल से एक इलेक्ट्रॉन अब जंप मारेगा के शेल की तरफ, और ये एल शेल का इलेक्ट्रॉन निकल के शेल में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस में हम लोग का डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एल एंड के दैट इज लिबरेटेड एज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, और इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का नाम क्या होगा, के अल्फा एक्सरे। क्यों ऐसा, क्योंकि के शेल का इलेक्ट्रॉन निकला है और उसका प्लेस उसके जस्ट ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ने लिया है, तो दैट इज लीडिंग टू के अल्फा लाइन, के अल्फा एक्सरे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन उखाड़ के फेंक देता और ये के एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन ना आता, एल शेल का इलेक्ट्रॉन मान लो यहां है ही नहीं, वो कहीं और है, तो अगर मौके का फायदा उठाते हुए एम शेल का इलेक्ट्रॉन जंप मार गया, एम शेल का इलेक्ट्रॉन अगर जंप मार गया तो दैट इज लीडिंग टू के बीटा लाइन, कौन सा लाइन होगा, के बीटा। अगर एम शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में जंप मारे तो दैट इज के बीटा लाइन, एल शेल का इलेक्ट्रॉन एम शेल में जंप मारे तो के अल्फा लाइन। देखो किस शेल में जंप मार रहा है वो के अल्फा के बीटा वैसा डिसाइड होगा। के नाम हमने क्यों दिया, के नाम इधर दोनों में क्यों दिया, क्योंकि के शेल में जंप मार, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा है मैं, तो एग्जांपल क्या मैं महाराष्ट्रीन हूं, आई लिव इन बॉम्बे या मुंबई बोल सकते हैं, तो आई लिव इन मुंबई, सो इन दैट केस एम आई महाराष्ट्रीन, यस आई एम महाराष्ट्रीन, बट डू आई वॉज आई बॉर्न इन महाराष्ट्र, एम आई गुजराती, मतलब मेरा जो गांव है वो कहां पे है, गुजरात में, तो गांव मेरा गुजरात में है तो विल आई बी कॉल्ड महाराष्ट्रीन और गुजराती, तो आंसर इज आई विल बी महाराष्ट्रीन बिकॉज आई एम बेस्ड इन मुंबई, आई एम ब्रॉट अप इन मुंबई, बट आई एम कमिंग फ्रॉम गुजरात, सो वॉट विल आई से, आई एम महाराष्ट्रीन फ्रॉम गुजरात। और मान लो अगर कोई और है जो कि यूपी से आया, मुंबई में है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में, तो ही विल बी महाराष्ट्रीन फ्रॉम यूपी, तो कोई महाराष्ट्रीन फ्रॉम गुजरात भी हो सकता है, कोई महाराष्ट्रीन फ्रॉम पंजाब भी हो सकता है, कोई महाराष्ट्रीन फ्रॉम यूपी भी हो सकता है। महाराष्ट्रीन वर्ड क्यों बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज वी आर लिविंग इन महाराष्ट्र, तो वैसे ही हम लोग के अल्फा के बीटा के गामा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ इन के शेल, कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, के शेल के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से उड़ी मार के नीचे आते हैं तो किस शेल में आते हैं, के शेल, तो इसीलिए कौन सा है के वर्ड यूज किया हम लोग। अब एक ही ऊपर से आया, जैसे मैं महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर से आया, तो महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर कौन है, गुजरात, तो महाराष्ट्र इन फ्रॉम गुजरात, उससे भी ऊपर मान लो कौन है, गुजरात के भी ऊपर राजस्थान मान लो, तो कोई अगर राजस्थान से महाराष्ट्र में आया तो ही विल बी महाराष्ट्र इन फ्रॉम राजस्थान, उससे भी ऊपर कौन है, मान लो पंजाब, तो ही विल बी महाराष्ट्र इन फ्रॉम पंजाब। तो हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो के अल्फा मतलब क्या, के शेल में इलेक्ट्रॉन आया बट एल शेल से जस्ट ऊपर वाला, अल्फा वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज जस्ट ऊपर से आया, के जस्ट ऊपर कौन है, एल। के बीटा क्यों यूज किया, क्यों उससे दो ऊपर से आया, और के दो ऊपर कौन है, एम। ये देखो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, के एल एम एन। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में आ रहा है लेकिन कहां से आ रहा है, एल शेल से भी आ सकता है, एम शेल से भी आ सकता है, एन शेल भी से भी आ सकता है, तो एल से के जंप मार तो दैट इज के अल्फा, एम से के जंप मार तो दैट इज के बीटा, और एन से के जंप मार तो दैट इज के गामा, तो ऐसे के होगा। और मान लो जैसे एग्जांपल के लिए महाराष्ट्र या मुंबई न लेके हम लोग अहमदाबाद ले, मान लो अगर कोई यूपी से अहमदाबाद में आए, पंजाब से अहमदाबाद में आए, या राजस्थान से अहमदाबाद में, तो व्हाट विल बी कॉल, अहमदाबादी फ्रॉम राजस्थान, अहमदाबादी फ्रॉम पंजाब, अहमदाबादी फ्रॉम यूपी, तो ऐसा।
तो वैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में नहीं आया, किस शेल में आया? एल शेल में आया। किस शेल में आया? एल शेल में। एल शेल में इलेक्ट्रॉन आया, इसलिए पहला वर्ड मैंने क्या यूज किया? एल। और अल्फा क्यों यूज किया? क्योंकि उसके जस्ट ऊपर से आया। जस्ट ऊपर कौन है? एल के। एल के जस्ट ऊपर है एम। तो एम से एल अगर कोई जंप मारता है तो दैट इज एल अल्फा लाइन। कौन सा लाइन है? एल अल्फा। तो लैम्डा एल अल्फा बोलेंगे उसको। और अगर एन से एल आएगा तो एल बीटा, एल बीटा एक्सरे बोलेंगे। लैम्डा एल बीटा विल बी द वेवलेंथ। तो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस के एल अल्फा और ऐसे सब टर्म्स। तो दैट इज व्हाट आई विल राइट एज फॉर्मूला हियर। देखो लैम्डा का वैल्यू है एचसी अपॉन ई। लैम्डा का वैल्यू क्या है? एचसी अपॉन ई। लेकिन ये एनर्जी डिफरेंस किसमें होगा? जब के अल्फा बोला है तो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस के शेल एंड एल शेल। के अल्फा मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गिरा है? एल से के, इसीलिए ई के माइनस ई एल। लैम्डा के बीटा, फिर से के शेल में इलेक्ट्रॉन गिरा है क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड के, लेकिन बीटा, बीटा मतलब दो ऊपर से, तो दो ऊपर से मतलब कौन? एम शेल। तो लैम्डा के बीटा इज एच सी अपॉन ई एल माइनस ई एल। सॉरी आई हैव रिटन हियर रॉन्ग, थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने। लैम्डा के बीटा ये क्या होगा? ई के माइनस ई एल। यस, ई के माइनस ई एम आएगा। देखो लैम्डा के बीटा क्या आएगा? एम से अगर के आ रहा है तो के बीटा लाइन होगा। तो लैम्डा के बीटा विल बी एच सी अपॉन ई के माइनस ई एम। एंड फाइनली लैम्डा एल अल्फा, एल में आना चाहिए लेकिन एक ऊपर से, अल्फा है मतलब एक ऊपर से, एल के एक ऊपर कौन है? एम। तो एम से एल मतलब कौन आएगा? लैम्डा एल अल्फा एच सी अपॉन ई एल माइनस ई एम। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वेवलेंथ फॉर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के अल्फा के बीटा, एल अल्फा एल बीटा, ऐसा हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम शोइंग इन दिस डायग्राम एज वेल। देखो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, ये देखो के शेल में आया, ये जो अभी डिस्कस किया हम लोग ने, के अल्फा लाइन मतलब क्या? एल से के में आया। के बीटा लाइन मतलब क्या? एम से के में आया। के गामा लाइन मतलब क्या? एम एन से के में आया। एल अल्फा लाइन मतलब क्या? एम से एल में आया। एल बीटा लाइन मतलब क्या? एम से एल में आया। तो दैट इज व्हाट वी डिस्कस जस्ट नाउ, वही यहां पे हम लोग ने अलग तरह के डायग्राम से दिखाया। तो आई होप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सरेज विच वी डिस्कस्ड, एक्सरेज आर वेरी हाई एनर्जी रेस हैविंग एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज एंड कंटीन्यूअस एक्सरेज। द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ वी सी एज अ कंटीन्यूअस पार्ट एंड सम पीक्स। द पीक्स denotes the characteristic x-ray and the continuous part is continuous x-rays. Continuous part, continuous x-rays are formed by Maxwell's equation. Any accelerated charge emits radiation and that leads to the formation of characteristic x-rays. Continuous x-rays. Characteristic x-ray kaise banenge? When high energy thermionic electron knocks off a inner shell electron, then the higher shell electron of that atom will jump into the lower shell. The energy difference between higher shell and lower shell will be emitted or radiated in the form of characteristic X-rays. Then we got the formula for lambda, minimum wavelength for X-rays, which is coming from this formula of energy of photon is Hc by lambda. Therefore, lambda is Hc by E and energy we proved to be equal to EV. How? By using W is equal to VQ. And we have two types of X-rays, soft X-rays which are low frequency, low energy, hard X-rays which are high frequency, high energy. And this convention of lambda k alpha, lambda k beta, lambda l alpha, lambda l beta, that also I hope you understood by our example.